देखिए दोस्तों, अभी अपने एक्स स्क्वायर प्लस 15x और प्लस 36 के गुणनखंड करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले बाहर बार बार हम गुणा करते हैं। 36 गुणा एक्स की स्क्वायर बराबर 36x की स्क्वायर। चिन्ह देखो, दोनों प्लस के हैं, पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है। इसका मतलब दोनों टुकड़े ही प्लस के होंगे और ये दोनों टुकड़े आपस में जुड़ेंगे। तो 36 के अपने ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर 36 आ जाए और जोड़ने पर 15 आ जाए। 6 6 का 36, 6 6 12 नहीं आया, 12 3 36। तो 12x गुणा 3x बराबर 12 3 36 एक्स के स्क्वायर और 12x प्लस 3x, दोनों ही प्लस के हैं, 12 3 15x। ये देखो, इसको दोनों को संतुष्ट करता है, ये भी आ रहा है और ये 15 भी आ रहा है। अब अपने इसकी जगह जो ये 15x है प्लस 15x, इसकी जगह दोनों को रखते हैं एक्स के स्क्वायर और प्लस 12x प्लस 3x और आगे बढ़ाइए 36 रख देते हैं। अब दो दो के समूह बढ़ा लेते हैं ये ऐसे। अब समूह बढ़ाते हैं, इसमें से x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ आ गया x, तो यहाँ बच गया x माइनस सॉरी प्लस 12, यानी यहाँ x स्क्वायर है तो x गुणा x है, कॉमन निकालने मतलब भाग देना होता है, x से x गया, x बच गया, यहाँ 12x है तो 12x में से x को काट देंगे, 12 बच गया, प्लस यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x कॉमन निकलेगा नहीं, तो यहाँ 3 है, 3 का भाग 3 में जाता है और 36 में भी जाता है, 3 को कॉमन निकाल दो, 3x में x का भाग देंगे, x से x कट गया, 3 बच गया, 3 का भाग 36 में देंगे, 12 3 36, ये अंदर वाले देखो, देखा आगे कितना है x प्लस 12, बाहर वाला कोष्टक मिला रहे दो, एक्स प्लस 3, ये दो गुणनखंड हो गए इसके। इसी प्रकार देखिए आगे वाले सवाल में, इसमें इसमें केवल चिन्ह का ही फर्क है, बाकी सवाल सेम है, पहला चिन्ह माइनस है दूसरा प्लस है। पहला चिन्ह माइनस हो दूसरा प्लस हो, इसका मतलब दोनों टुकड़े ही माइनस के होंगे और दोनों जुड़ेंगे, तो ये सेम ही टुकड़े होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया, माइनस माइनस गुणा करने प्लस होते हैं, ठीक है, और ये माइनस का 12 है, ये माइनस का 3 है और माइनस के 12 3 माइनस के 15 हो गए। अब इन टुकड़ों को इसकी जगह रख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 3x प्लस के 36 प्लस के 36। अब दो दो के समूह बना लो, ये समूह बन गया, एक ये बन गया, यहाँ से x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 12, यहाँ से माइनस चिन्ह आ गया, ये x है, यहाँ x नहीं है, 3 का भाग जा रहा है, 3 को कॉमन निकालो, यहाँ बच गया x, ये चिन्ह माइनस आती है, अंदर बड़े चिन्ह को बदल देगा, इस चिन्ह को आगे बड़े चिन्ह को बदलेगा, माइनस 12 3 36। देखो दोनों कोष्टक एक जैसे आ गए, x माइनस 12 और x माइनस 3, इस प्रकार से इसके गुणनखंड हो गए। ओके, धन्यवाद।